Assalamualaikum, Bano ke किचन में खुश आमदीद। आज हम हलवा पूरी बनाएंगे। सबसे पहले हम हलवा पूरी का आटा गूंदेंगे। ये आधा किलो हमने वाइट आटा लिया है। ये नीम गरम पानी है, एक चम्मच ये नमक है, ये तकरीबन हम दो चम्मच ढाई चम्मच इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। जिस तरह हम आम आटा गूंदते हैं इसी तरह गूंदेंगे। ये हम मैदे की पूड़ियाँ नहीं बना रहे, मैदे की पूड़ियाँ ये थोड़ी ये भुर जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं वाइट आटे की। अगर आप ब्राउन आटे की भी बना रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन उसके अंदर आप ये तो थोड़ा सा मैदा यानी डाल लें, उसकी भी सही बनेगी। फिर हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। ये तीन चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाले। जिस तरह हम आम आटा गूंदते इसी तरह हमने इसको गूंद लिया है। अब इसके अंदर बॉल के अंदर हम रख देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए आटा। ऑयल लगा के रखेंगे, उसके फिर हम ये हलवा और ये आलू का सालन बनाएंगे, उसके बाद ये उसकी पूड़ियाँ फ्राई करेंगे। ये अभी हमने 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे, 15 मिनट के लिए। अब हम कढ़ाई के अंदर एक कप घी डालेंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक कप सूजी डालेंगे, सूजी को लाइट ब्राउन करेंगे, ज्यादा नहीं भुनेंगे। व्यूअर्स, हमारी सूजी भुन चुकी है, हम इसको ज़्यादा नहीं भुनेंगे, लाइट ब्राउन ही रखेंगे। अब हम इसके अंदर 4-5 गिलास पानी के ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जर्दा ऐड करेंगे, एक कप हम चीनी का इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चीनी ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। रख देते हैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, फिर इसको चेक करेंगे। फिर ये तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं, बीच में हमने आके इसको हिलाया था। माशाल्लाह ये हमारा हलवा तैयार है। अब हम इसके अंदर ये पिसे हुए अखरोट ऐड कर देंगे। अब हम ये चूल्हे को बंद कर देंगे। बस ये माशाल्लाह अब तैयार है, हम डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, ये हमने हलवा डिश आउट कर दिया है, थोड़ा सा गार्निश कर दिया। अब हम पूड़ियाँ बनाएंगे। कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है, ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसको हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे और फिर उसके अंदर पूड़ी डालेंगे। ये हमने पेड़े निकाल लिए हैं पूड़ी बनाने के लिए। अब हम इसको रोटियां बेलेंगे। ये हमारा घी गर्म होगा, हम 3-4 रोटियां बेल लेंगे। हम ज़्यादा रोटियां नहीं बेलेंगे, फिर हाथ से बढ़ा देंगे, इसको बड़ी कर लेंगे, बस इतनी बेलेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब हमने इसके अंदर रोटी डाल दी है। इसको हम अच्छी तरह डुबोएंगे ऑयल के अंदर।
क्योंकि हमारा ये ऑयल थोड़ा कम गर्म है, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। हमने निकाल ली है एक पूरी, अब हम इसके अंदर दूसरी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सीधा कर देंगे रोटी, माशाल्लाह ये और परफेक्ट गर्म है हमारा। इसी तरह हम सारी बना बना के इसको डालते जाएंगे। इसको भी निकाल लेंगे। मैं आपको पूरी तोड़ के दिखाती हूँ, या देखें कितनी नरम और सॉफ्ट है, ये मैं चेक करके बताती हूँ आपको कैसी बनी है। व्यूअर ये बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है, नरम है, ये देखो। ये बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है, देखें ये मैंने चेक करते करते मैं सारी तकरीबन आधी खा चुकी हूँ, बहुत मज़े की है। व्यूअर्स आप इसको ज़रूर बनाएं और खाएं। तो ये हलवा पूरी बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, आप इसको ज़रूर बनाएं, मेरे ही तरीके से बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगी। ये आलू की भुजिया की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप लिंक से देख सकते हैं। मेरे जो नए हैं मेरे चैनल को पे, वो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू।